हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि आज हमें कलर ड्राइंग फ़ोटो एडिटिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो ओपन करते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को और हम फ़ोटो को यहाँ पे कर लेते हैं अपनी सेलेक्ट, जिस पर हमें आज कलर ड्राइंग को करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखिए फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। तो हमें कुछ इस टाइप की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो ये हमारी फ़ोटो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर ऐड फ़ोटो पे जाते ही हम अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस फ़ोटो को हमें यहाँ पे ड्राइंग बनानी है। ओके, तो इस फ़ोटो को इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाते ही हमें क्या करना है कि अपने ड्राइंग वाले इफेक्ट को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस वाले इफेक्ट को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए इस पर आर्टिस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए आना है और हमें इस वाले इफेक्ट को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो इसको हमें सेलेक्ट करने के बाद हमें इसी पे दोबारा से क्लिक करके हमें इसको सेट कर लेना है कि हमें किस टाइप से इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। ओके, तो हमने देखिए कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लिया एंड सेट करने के बाद हमें इसको डन कर देना है। तो डन करने के बाद हमें देखिए फ़ोटो को हम देख लेते हैं एंड हमें चलना है ब्लेंड पर एंड ब्लेंड पर जाने के बाद हमें इसको सेट करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करते ही हमें इसको सेट कर लेना है इसको। तो चलिए हम इसको कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लेना है। तो फ़ोटो हमारी कुछ इस टाइप की यहाँ पे सेट हो जाएगी। ओके, तो उसको सेट करने के बाद हमें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे फ़ोटो हमारी कुछ इस टाइप से दिखने लगी है। अब हमें अपनी फ़ोटो को यहाँ से डन कर देना है। ओके, तो इस वाले आइकन पर हमें जाके इसको डन कर देना है। तो डन करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब हमें चलना है अपनी दूसरी फ़ोटो को यहाँ पर सेट करना है। तो चलते हैं हम ऐड फ़ोटो पे। तो हमने यहाँ पे देखिए ऐड फ़ोटो पे गए एंड अपनी दूसरी फ़ोटो को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जो भी हमें यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर सेट करना है तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये इस वाली फ़ोटो को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस फ़ोटो को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम इस फ़ोटो को बैकग्राउंड क्लिक और रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए इसके बैकग्राउंड को हमने यहाँ पर रिमूव कर लिया। तो बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा देखिए बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फ्लिप रोटेट पर क्लिक करके इसको हमें रोटेट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर फ़ोटो को रोटेट भी कर लिया है एंड रोटेट करने के बाद हमारी फ़ोटो को जिस टाइप से दिखने लगेगी एंड इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। तो हमने इसको सेट कर लिया है एंड सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके हमें इरेज पे क्लिक कर देना है। इरेज पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है कि इसके हमें फ़ोटो को यहाँ पे हल्का सा इरेज कर लेना है ताकि हमारी फ़ोटो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखने लगे। तो इसको हमें इरेज कर लेना है, इसको डन कर देना है एंड डन करने के बाद हमारी फ़ोटो को जिस टाइप की दिखने लगेगी एंड इसको हमें इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना है। एंड इसको फ़ोटो को डुप्लीकेट करते ही हमें यहाँ पर सेट करना है कि इस फ़ोटो को हमें किस टाइप से इसकी शेडो बनानी है। ओके, तो हमें यहाँ पर इसको सेट करते ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइड में ले जाना है, इसकी हमें कुछ इस टाइप की शेडो करनी है एंड यहाँ से हमें ओपेसिटी को उसको कम कर देना है। ओके, तो इसकी ओपेसिटी को हमें कुछ इस टाइप से रखना है। ओके, तो ये हमारी देखिए यहाँ पर शेडो बन चुकी है इसकी एंड अब हमें क्या करना है कि इसकी शेडो को हमें क्या करना है, ऊपर से उसको हटाना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर इरेज पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर ब्लेंड पर क्लिक करते हैं। ब्लेंड पर क्लिक करते ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करते ही हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की दिखने लगेगी यहाँ पर। अब इसके हमें मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद हमारे यहाँ पर इरेज पे क्लिक करना है एंड इरेज पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ऊपर से इसको इरेज कर देना है। तो हमने देखिए यहाँ पे ऊपर से इसको इरेज कर लिया है एंड इरेज करते हैं बस, इसको डन कर देना है। ओके, तो डन करते हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखने लगेगी एंड अब हमें यहाँ पर डन कर देना है इसको। तो डन करने के बाद अब हमें अपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमें अब हमें अपनी फ़ोटो को यहाँ पे देखिए यहाँ पर सेव कर लेना है। ओके, तो सेव करते ही हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके हमें इस फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में हम इसको शेयर कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा एक बार और इसको हम शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो चुकी है। तो हम ओपन करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन को। तो ये हमने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे फ़ोटो पे अपनी एंड ये फ़ोटो हमने और हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम लाइट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें कर्व पे जाना है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस वाइट वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके हमें फर्स्ट की को ऊपर करना है, सेकेंड की को बना के हमें यहाँ पर नीचे करना है।
ओके। तो हमें कुछ स्टेप से रखना है एंड इसकी थर्ड की हमें इसके ऊपर बनानी है, तो इसको हमें इतना रखना है एंड इसकी फोर्थ की को हमें यहाँ पे हल्का सा नीचे कर देना है। तो इसको हमें कुछ स्टेप से सेट कर लेना है ओके। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको कुछ स्टेप से यहाँ पे सेट कर लिया एंड यहाँ पे अब जाना है यहाँ पे ब्लू टून पे ओके। ब्लू वाले कलर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे कलर इसी तरह से हमें सेम हमें इसको भी सेट कर लेना है ओके। तो देखिए हमें कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लेना है जिसमें कि हमारे बहुत ही बढ़िया कलर दिखने लगे एंड इसको करने के बाद हमें यहाँ पे इसको डन कर देना है। तो उसको डन करते ही देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखने लगेगी ओके। तो आप देख ही सकते हैं इसके हाईलाइट को हमें कम कर देना है एंड इसके शेडो को हमें कुछ कम करना है, इसके वाइट्स को भी कम करना है, ब्लैक्स को हमें यहाँ पे बढ़ा देना है ओके। तो ब्लैक्स को हमें इतना रख देना है, रखने के बाद हमें यहाँ पे कलर पे जाना है एंड मिक्स पे जाना है एंड अब हमें यहाँ ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है करके हमें सेचुरेशन को हमें कम कर देना है, ल्यूमिनेंस को हमें बढ़ा देना है। तो अब हमें जाना है रेड टोन पे, रेड टोन पे जाते ही हमें सेम उसी तरह करना है, इसकी सेचुरेशन को हमें बढ़ाना है एंड ल्यूमिनेंस को हमें हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है ओके। तो अब हमें चलना है यहाँ पे ब्लू टोन पे, ब्लू टोन पे जाते ही हमें यहाँ पे इसके ह्यू को कम कर देना है एंड सेचुरेशन को हमें यहाँ पे इसकी सेचुरेशन को हमें कर देना है, बढ़ा देना है हल्का सा एंड ल्यूमिनेंस को हमें कम कर देना है ओके। तो अब हमें यहाँ पे देखिए इस स्काई ब्लू टोन पे जाके इसी तरह से इसके भी कलर को हमें सेट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ल्यूमिनेंस को कम कर दिया ओके। तो अब देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखने लगी है। तो हमें थोड़ा इसकी हम एलो टोन को भी हम मिला लेते हैं, एलो टोन पे जाते हैं एंड इसके ह्यू को हम कम कर देते हैं, ल्यूमिनेंस ह्यू को कम कर देते हैं, ल्यूमिनेंस को हमें यहाँ पे इतना रख देना है ओके। सैचुरेशन को हमने रख ही दिया, उसको डन कर देना है। डन करने के बाद इन सभी कलर्स को भी हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिला लेना है, सैचुरेशन को कम कर दिया, वाइब्रेंस को हमें बढ़ा देना है एंड टिंट एंड टेम्परेचर को भी हम थोड़ा थोड़ा इसको मिला लेते हैं ताकि हमारे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर दिखने लगे। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ओके। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे इसके इफेक्ट पे जाते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं, हमारा टेक्स्चर को हमें बढ़ा देना है एंड इसके क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ाना है, इसके क्लैरिटी को हमें कुछ इस टाइप से रख देना है ओके। तो हमें इतना रख देना है एंड डीएच को भी हमें मिला लेते हैं कुछ इस टाइप से, हमें इसके डीएच को रखना है ओके एंड इसका हमें क्या करना है कि बिगनेट को हमें कम कर देना है ओके। तो बिगनेट को हमें कम कर दिया एंड मिड पॉइंट को भी हमें इतना रख देना है एंड फेदर को और इसके राउंडलेस को भी हमें सेट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है इस टूल पे एंड यहाँ पे शार्पनिंग को हमें यहाँ पर बढ़ा देना है इतना एंड शार्पनिंग को इतना करने के बाद नॉइस रिडक्शन को भी हमें बढ़ाना है। तो इसको हमें 40 के समथिंग रख देना है एंड इसको रखने के बाद हमें कलर नॉइस रिडक्शन को जाना है और इसको हमें बढ़ा देना है, इसको समथिंग हमको 70-80 के समथिंग रख देना है ओके। तो इसको रखने के बाद हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी फाइनली फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको हम फोटो दिखा देते हैं, देखिए हमारी कितनी बढ़िया तरीके से हम फोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस फ़ोटो को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं ओके। तो इसको हम यहाँ पे शेयर पे जाके इस फोटो को आप सेव कर लेते हो तो हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी।